एसोसिएशन नागपुर ने 17 से 19 सितंबर के बीच 61वें अखिल भारतीय पेपर ट्रेडर्स परिषद फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन का आयोजन किया है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों 17 सितंबर को किया जाएगा। इसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर के सीईओ विजय कॉल का प्रमुख भाषण होगा। एएस मेहता अध्यक्ष और निदेशक जेके पेपर लिमिटेड और आईटीसी के डिविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव वदिराज कुलकर्णी विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि एफपीटीए के अध्यक्ष दीपक मित्तल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। असीम बोडिया वर्ष 2022-23 के लिए एफपीटीए के मनोनीत अध्यक्ष हैं। एजीएम और सम्मेलन के दौरान बोडिया एफपीटीए के नए अध्यक्ष के रूप में प्रभार स्वीकार करेंगे। फेडरेशन के अधीन होती है फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन। ये राष्ट्र की पेपर व्यापारियों की एक फेडरेशन है जिसके अधीन 35 एसोसिएशंस काम करती हैं। नागपुर उसमें से एक है। नागपुर में इसके पहले 2000 में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अध्यक्ष हमारे महेश जी खंडेलवाल रहे थे। अब 22 साल बाद वापस नागपुर को फेडरेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस लेने का अवसर मिला है। ये 17, 18 और 19 सितंबर को नागपुर में होटल रेडिसन में ली जाएगी। इसके अंदर 500 से 600 डेलीगेट्स पेपर व्यापारी ऑल इंडिया से नागपुर में आने की संभावना है। ऑलरेडी 500-550 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुका है होटल रेडिसन और होटल प्राइड। यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सारे कार्यक्रम होटल रेडिसन में होंगे। इनॉग्रल सेशन 17 तारीख को होगा, जिसमें हमारे लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी चीफ गेस्ट होंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में कागज उद्योग के गणमान्य व्यक्तियों देश भर के प्रमुख ब्रांड भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन में व्यापार और उद्योग जगत के 600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कागज उद्योग की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और अवसरों पर प्रस्तुतियां होंगी और निकट भविष्य में उद्योग के संभावित दायरे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।